हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे त्रिभुज तथा चतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिसीमा से संबंधित सवाल। हल करें 15.3 का 17 का थर्ड नंबर सवाल। अभी देखेंगे, एक रोम्बस के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई की 3 गुनी है। अच्छा, इस बार क्या है कि एक रोम्बस के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई की 3 गुनी है। यदि रोम्बस आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल दे दिया गया है, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले आप एक रोम्बस देखिए, ये एक रोम्बस है, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो पहला विकर्ण है, ठीक है, दूसरे विकर्ण की लंबाई की 3 गुनी है। यानी ये अगर पहला विकर्ण है ये वाला, तो दूसरा विकर्ण अगर ये है, कहने का मतलब अगर हम ए बी सी डी एक रोम्बस बनाएं, ठीक है, सारा भुजा आपस में बराबर है इसका, तो यहाँ बोल रहा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई की 3 गुनी है, यानी पहला वाला विकर्ण। तो पहला अगर ए सी मानते हैं और दूसरा वाला बी डी मानते हैं, और बी डी को अगर हम एक्स मानते हैं, पहला विकर्ण बी डी को एक्स मानते हैं, ठीक है, ये वाला, तो ये विकर्ण जो है, यानी बी डी अगर एक्स है तो ए सी कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि ये पहला विकर्ण है। देखिए क्या लिखा है, एक रोम्बस के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई के 3 गुनी। तो अगर दूसरा विकर्ण बी डी माने तो पहला विकर्ण क्या होगा, 3x सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ वर्ग सेंटीमीटर में दिया है और ये एक्स सेंटीमीटर है, और इसका एरिया दे दिया है, एरिया है 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो बड़े विकर्ण यानी बड़ा विकर्ण 3x है। अब देखिए यहाँ पे रोम्बस ए बी सी डी में बड़ा विकर्ण बराबर ए सी तथा छोटा विकर्ण बराबर बी डी माना। छोटा विकर्ण बराबर एक्स सेंटीमीटर, छोटा विकर्ण कितना मान लिए हैं, एक्स सेंटीमीटर, इसलिए बड़ा विकर्ण बराबर 3x सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है, वर्ग सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोम्बस ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 96 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होगा, तो अब डायरेक्ट यहाँ बैठाएंगे तो x इंटू 3x होगा, इजकल टू 96। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू 96, और 3 को अगर हम यहाँ से काटते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो 64 आता है, x बराबर 8 आ जाता है, क्योंकि इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 8 आएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल आ जाएगा। अब ये जो x बराबर 8 सेंटीमीटर आया है तो ये आपका क्या है, छोटा विकर्ण, और हमें निकालना क्या है, बड़े विकर्ण की लंबाई, ठीक है, इसलिए बड़ा विकर्ण की लंबाई बराबर 3x बराबर 3 × 8 बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ये जो आया आंसर वो 24 आया है। अब हम यहाँ ढूंढेंगे कि 24 कहाँ पे है,
यहाँ देखिए डी नंबर ऑप्शन में यहाँ बता रहा है डी नंबर ऑप्शन में कि इसका लंबाई कितना है, तो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, सही आंसर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन आ गया है 17 का ही, 4 नंबर का। एक रोम्बस और एक वर्ग की एक ही भुजा पर स्थित है। वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर एक्स स्क्वायर वर्ग इकाई है और रोम्बस के आकार का क्षेत्रफल अगर वाई स्क्वायर वर्ग इकाई हो, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन में यहाँ गड़बड़ लिखा है, ये बी नंबर का जो ऑप्शन है वो चूंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर दिया है, इसलिए यहाँ पे वाई स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, तो अगर हम एक ही बेस के ऊपर एक वर्ग भी बनाएं और एक रोम्बस भी बनाएं, जैसे ये वर्ग बना दिए, एक रोम्बस और एक वर्ग एक ही भुजा पर स्थित है, अगर ये ए है, ठीक है, तो इसका ए ही हो जाता है। और इसका एरिया क्या होता है, अगर वर्ग का एक भुजा बराबर ए इकाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा वर्ग इकाई। लेकिन कह रहा है कि इसी बेस पर एक रोम्बस बना हुआ है, तो रोम्बस बना हुआ है तो देखिए ये भुजा तो इसका तिरछा जाएगा, और तिरछा जाएगा तो इतना लंबाई ये इतना ऊपर नहीं जा पाएगा, बल्कि ये ऐसे सीधा खड़ा जाएगा तो इतना ऊपर जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होगा, इसका ऊंचाई घट जाएगी, और इसका ऊंचाई जब घट जाएगी तो गौर से देखिए इसका बेस तो दोनों का सेम है, लेकिन इसका हाइट क्या हुआ, घट गया है। तो इसका जब हाइट घट गया है तो इसका जब एरिया निकालने जाएंगे तो इसमें भी तो बेस गुना हाइट होता है, तो ये हाइट क्या है, बड़ा है, और ये हाइट क्या है, ए से क्या है, छोटा है। यानी ये हाइट अगर हम देखें तो वो क्या है, ए से छोटा है। ठीक है, यानी इसका जो ये हाइट है ये ए से क्या है, छोटा है। ठीक, इसलिए अगर रोम्बस का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, ए इंटू, अब ए से क्या है, ये छोटा है, तो ए से जब छोटा है तो इसका मान एच है, और ये किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के बराबर, और चूंकि एच क्या है, इज लेस देन ए है, इसलिए इसका जो मान आएगा वो क्या होगा, हमेशा छोटा ही आएगा। ठीक है, इसलिए एक्स स्क्वायर बड़ा होगा किससे, तो वाई स्क्वायर से, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे तो आपको ऑप्शन ढूंढना है कि अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो ये लिखेंगे, ये ऑप्शन दिया हुआ है तो ये, दोनों एक ही बात है, इसको हम इस तरह से उलट के भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, अभी बता रहे थे बी में ऑप्शन है वाई स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर हुआ, और यही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा ऑप्शन जो सही हुआ है वो हो गया बी नंबर का ऑप्शन, तो इसलिए बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब 17 का 5 नंबर का सवाल दिया हुआ, इसमें क्या है, एक ट्रेपीजियम आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल 162 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसका 6 सेंटीमीटर दे दिया है। ट्रेपीजियम की एक भुजा की लंबाई अगर 23 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए यहाँ पे ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम में होता क्या है कि एक भुजा आमने सामने की एक जोड़ी भुजा समानांतर होते हैं, अगर मान लिया जाए ये ट्रेपीजियम है तो ये दोनों समानांतर होगा,
ए बी सी डी और ये इसका लंबवत दूरी होगा समानांतर भुजा का। यहाँ पे देखिए दिया क्या क्या है, ट्रेपिजियम आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल दे दिया, ठीक है, और ऊंचाई दे दिया इसका 6 सेंटीमीटर। चलिए ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब ट्रेपिजियम की एक भुजा की लंबाई 23 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें से कोई भी भुजा मान लेते हैं, मान लिया जाए यही भुजा है 23 सेंटीमीटर, तो ये भुजा का लंबाई कितना होगा वो हमें निकालना है, ठीक। तो इसको हम x मान लेते हैं क्योंकि इसमें हमको मालूम नहीं है। ट्रेपीजियम ए बी सी डी में समानांतर भुजा, समानांतर भुजाएं ए डी बराबर x सेंटीमीटर है, इसको माना लिख देते हैं, और बी सी बराबर दिया हुआ है 23 सेंटीमीटर। कोई ना कोई तो एक ठो भुजा मानना ही पड़ेगा। हाइट इसका कितना है, हाइट कहने का मतलब कि समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए, ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पे 162 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें आपको करना क्या है कि इसका मान बैठाना है, ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। अब देखिए समांतर भुजाओं का योग जब दिया है तो यहाँ एक ही बार आप बैठा दीजिए ए डी और प्लस बी सी, ठीक है, आई इंटू हाइट, हाइट मतलब यहाँ पे समांतर भुजाओं का बीच की दूरी जो कि ए ई का काम कर रहा है, यहाँ ए ई लिख सकते हैं, बराबर 162 1/2। अब यहाँ ए डी के जगह पे बैठा देंगे एक्स और बी सी के जगह पे 23 बैठाएंगे और ए ई के जगह पे 6 बैठा देंगे, बराबर 162। इसको काट लीजिए, एक्स प्लस 23 × 3 इजकल टू 162। अगर ये कटता है तो काटिए, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 12 यानी 54। इसको अगर हम और आगे बढ़ाते हैं तो एक्स प्लस 23 = 54 और एक्स बराबर अगर निकालेंगे तो 54 − 23 और x बराबर हो जाएगा 1 और ये 5 × 2 = 3, 31 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी भुजा हो, हालांकि आप ये ट्रेपिजियम पे मत जाइए क्योंकि ये हम तो यहाँ पे 623 इसको मान लिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये 31 होगा, ये 23 होगा। तो जब इसको हम x मानते तो ये भुजा निकलती, तो हमें तो पहले पता नहीं है कि कौन सा भुजा बड़ा है छोटा है, ठीक है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर आने से मतलब है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ बी नंबर का जो आंसर है 31 सेंटीमीटर, ये 31 सेंटीमीटर ही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ये 17 का 5 नंबर का सवाल अभी कंप्लीट हो गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।